بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا ثم وددناه أسفل سافلين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم وددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. एक बार फिर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद. ये है सुबहान रमजान की एक और ट्रांसमिशन और आप सबको शारिक महमूद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम. हमारी एक और माशाल्लाह से ट्रांसमिशन आपके सामने मौजूद है और माशाल्लाह आज 19वें रोजे पे हम खड़े हैं और कल तकरीबन इसी टाइम के आसपास लोग मूव कर रहे होंगे, मसाजिद की तरफ जा रहे होंगे, एतिकाफ के अहतमाम हो रहे होंगे, 10 दिन तक अल्लाह से राब्ता बन रहा होगा. हमारी खुश नसीबी है कि हमें फिर एक बार अल्लाह ताला ऐसा मौका फरहम कर रहे हैं. खैर जनाब, हम ये बातचीत, ये सिलसिले, ये गुफ्तगू, ये सब चलती रहेगी. डिफरेंट डिस्कशंस होंगे रोज़ाना की तरह, कुछ बातें करेंगे, कुछ जस्तजू जो है किसी न किसी एंड तक हमें पहुँचाएगी. अल्लाह ताला कुछ ना कुछ हमें आज भी सिखा कर ही यहाँ से भेजेगा. हमने कभी दावा नहीं किया कि हम यहाँ पर बहुत बड़े आलिम हैं. हम आलिमों के साथ बैठते हैं, बड़ों के साथ बैठते हैं और हम तो तालिब हैं, सीखने आते हैं और सीख के ही जाते हैं रोज़ाना कुछ ना कुछ. जनाब, रोज़ की तरह आज फिर
फिर आपको बताते चलें, हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमारे साथ नहीं थे, कल ये गए हुए थे, आज वापस आ चुके हैं। बहुत दोबारा खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद इकबाल साहब, हमारे मुल्क के मशहूर और मारूफ रिसर्च स्कॉलर। और इसके अलावा अभी आपने बहुत खूबसूरत सी तिलावत सुनी जिस बच्चे ने पढ़ी, सैयद मोहम्मद मुबशर। और ये सारा वो नया टैलेंट है, हमारी कोशिशें होती है कि जितने आप हमारे इतराफ में लोग हैं उनको यहाँ पे लाएं और उनका टैलेंट देखें। उसके अलावा आपको ये बताएं कि माशाल्लाह यहाँ पे कलाम भी होंगे, बातें तो होंगी होंगी। कलाम पढ़ने के लिए फ़िलहाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब नकीब अहमद कादरी। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। और जनाब आपको ये भी बता दें कि ये आप ट्रांसमिशन देख तो रहे हैं, किसकी किसके तआवुन से आप तक पहुँच रही है आपको मालूम होना चाहिए। कोका कोला, सर्फ एक्सेल, नेस्ले मिल्क पैक एंड प्योर लाइफ और मीज़ान। इसके अलावा इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ को स्पॉन्सर्स जो हैं वो हैं डेटोल, कोलगेट सेंसिटिव, पेप्सी, सोया सुप्रीम, नेस्ले योगर्ट, नेस्ले सिरेलैक, नेस्ले मिल्पैक क्रीम और वार्डरोब पार्टनर्स हैं कलर्स मेंसवेयर। जनाब हम गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं और आपको ये भी बताएं सूरह तीन की बड़ी खूबसूरत तिलावत की मोहम्मद मुबशर ने। और हमारा क्योंकि आज का मौजू हम एतिकाफ से रिलेटेड बातें करेंगे। नौजवानों के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि हमने जब हम बच्चे होते थे हम देखते थे कि मसाजिद के अंदर बुजुर्गवार बैठे होते थे, कोना होता था और बड़ी कम क्वांटिटी होती थी। लेकिन माशाल्लाह जिस तरह हम बड़े होते गए हमने देखा कि बुजुर्ग जो थे वो जवान नहीं होने शुरू हुए, लेकिन नौजवानों के अंदर एतिकाफ की रगबत बढ़ी, अल्लाह से कुर्बत के लिए, अल्लाह के करीब जाने के लिए बड़ी कोशिश की और लोग आगे आए। जबकि अगर देखा जाए हमारी हिस्ट्री या बल्कि और पीछे जाइए तो रहबानियत का जब स्टार्ट था तो वो रहबानियत में भी अल्लाह की मोहब्बत के लिए वो कुछ आगे बढ़ने के, इस्लाम से बहुत पहले की बात है, लेकिन वो कुछ अल्लाह की मोहब्बत के चक्कर में जब आगे बढ़ गई कुछ हाथ से निकल गई, कुछ राइट लेफ़्ट चले गए। लेकिन हम ये डिटेल समझेंगे कि क्या हुआ था, क्या होना चाहिए था और ये एतिकाफ में हम क्या करते हैं। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ बहुत अहम मौजू है जी, और आपने ख़ास तौर पर बात की जवानों की जी, तो इस हवाले से मैं एक लफ्ज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले देखिए इंसान की ज़िंदगी की तीन स्टेजेस हैं, एक उसका बचपन है लड़कपन, एक जवानी है और एक बुढ़ापा है जी। बचपन के अंदर उसके पास ताकत और तवानाई तो है लेकिन उसके पास वो शऊर नहीं होता, मेचोरिटी नहीं होती, जबकि बुढ़ापे के अंदर उसके पास इल्म भी होता है, मेचोरिटी भी होती है लेकिन जिस्म की वो ताकत और तवानाई नहीं होती। जवानी ही वो दौर और है इंसान की ज़िंदगी का जिसके अंदर उसकी अक्ल भी पूरे नुक्ते कमाल तक पहुंच जाती है और जिस्मानी ताकत और तवानाई भी उसे हासिल होती है। लिहाजा ये वो खुशगवार दौर है इंसानी ज़िंदगी का जिसमें उसे अल्लाह की इबादत और बंदगी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुजू करना चाहिए। संवरने की भी यही उम्र है और बिगड़ने की भी यही उम्र है, अगली ज़िंदगी के सारे रास्ते का तायुन यहीं से हो जाता है। लिहाजा ये जो एतिकाफ है ये इंसानी ज़िंदगी के अंदर उस सिमत को पैदा करने का माहौल देता है, क्योंकि 10 दिन के लिए जब इंसान दुनियावी मशागल और मसरूफियात छोड़ के बैठता है उसे अपने ऊपर सोचने का, गौर करने का बहुत कुछ मौका मिलता है जी। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने आमाल और अखलाक के बारे में, आखरत के बारे में वो बहुत कुछ सोचता है, समझता है, तो उसे अपनी ज़िंदगी का तायुन करने के लिए ये बेहतरीन मौका मिलता है। जहाँ तक एतिकाफ की बात है, एतिकाफ सिर्फ आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में या इस्लाम में नहीं है बल्कि एतिकाफ की तारीख भी उतना ही पुरानी है जितना कि अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी की तारीख है। जैसे सजदा है, रुकू है, नमाज है, रोज़ा है, पहली उम्मतों पर फ़र्ज था जी और आज भी है, तो इसी तरह एतिकाफ का तसव्वुर भी पहली उम्मतों के अंदर मौजूद था और आज भी मौजूद है। रहबानियत एक अलग चीज़ है, उसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। अगर हम कुरान मजीद से लें उस आयत मुबारक को जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों को हुक्म दिया कि बैतुल्लाह की तामीर करें, तो वहाँ पर इरशाद बारी ताला है कि हमने बैतुल्लाह की तामीर का उन्हें जब हुक्म दिया तो फिर साथ ही उन्हें ये फरमाया अंतहरा बैत या लित्वा एफीना वल आकेफीना वर्रुका इस्सुजूद, कि हमने उन्हें हुक्म दिया कि मेरे घर को पाक और साफ कर दो। किन के लिए?
इबादत गुजारों के लिए और एतिकाफ करने वालों के लिए, फिर रुकू और सजदा करने वालों के लिए। तो मालूम हुआ कि एतिकाफ का तसव्वुर भी इबादत के नुक्ते नज़र से उतना ही पुराना है जितना कि बैतुल्लाह की तामीर, नमाज, रोज़े और दीगर इबादत का तसव्वुर है। सुभान अल्लाह, बहुत फजीलत है, इस पर हम बात करते हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हम इसकी डिटेल में जाएंगे। और मेरे दिमाग में एकदम से बात आई कि जो मुफ्ती साहब ने कहा कि जवानी इज़ द राइटेस्ट टाइम जब आप हज या उमरा करें, तो इंडोनेशिया, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, इंडोनेशिया के अंदर ये है कि आपकी शादी नहीं होती है जब तक हज नहीं होता, कुछ इस तरह की बात है जुनेद भाई। हाँ, इस पे यानी कि जवानी यानी कि आपको लड़की नहीं दी जाएगी अगर आप हज करके नहीं आए। ऐसा ही वहाँ पे कुछ इसी तरह के उसूल है। अच्छा, ये जो एहतिकाफ है ये बड़ी कमाल चीज़ है। देखें, एक धरना पोलिटिकल धरना होता है जी, जिसके अंदर बड़ी नारेबाजियाँ होती हैं, बड़ी एजिटेशन होती है, बड़ी मुखालफत होती है, अपनी डिमांड्स होती हैं, और जब तक वो मुतालबात मंजूर नहीं करवा लिए जाते उस वक्त तक धरना देने वाले जो हैं वो अपनी जगह से हिल के नहीं जाते। अच्छा, उसमें होता ये है कि कभी नॉर्मली तो लॉलीपॉप दे के भेज दिया जाता है कि जी तुम्हारे मुतालबात को मंजूर कर लिया जाएगा, और उसके बाद एक खबर बन जाती है कि बात जो है वो धरने करने वालों से या धरना देने वालों से तय हो गई। जी ये होता है पॉलिटिकल धरना जी, जिसके अंदर गाली गलौज भी हो रही होती है, नारेबाजियां भी हो रही होती हैं, मारधाड़ भी हो रही होती है, शेलिंग भी हो रही होती है, आंसू गैस सब कुछ हो रहा होता है। एक धरना अल्लाह की बारगाह में होता है, वाह वाह, वो धरना बड़ा अजीब होता है। उस धरने में बंदा अपने तमाम गुनाहों से आजिज होने के बाद, अपने गुनाहों के बोझ को अपने कंधों पर उठाने के बाद, एक रब्बे काबा की जात को मनाने के लिए मस्जिद के अंदर किसी कोने पर बैठ जाया करता है। वहां ना ग्रुप बंदी होती है, वहां ना एजिटेशन होती है, वहां ना जो है मुखालिफत होती है, माना चीखना चिल्लाना होता है, वहां तो सिर्फ दिल ही दिल के अंदर वो है ना, मनी मन गुफ्तम पर्दा नफाशतम, वहां तो सिर्फ मनी मन जो है वो अल्लाह से बात होती है कि या अल्लाह मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूं, मैं तेरा सियाहकार बंदा हूं, मैंने अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया, मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, मैंने तेरी खातिर, तेरी रजा की खातिर, तुझे राजी करने के लिए मैंने अपने कारोबार को भी छोड़ दिया, सिर्फ तेरी ही ख्वाहिश की खातिर मैंने अपनी जॉब को भी छोड़ दिया, सिर्फ तुझे ही मुतमईन करने के लिए मैं इस वक्त अकेले तन तनहा अपनी तमाम लेविश लाइफ को छोड़ने के बाद जो है तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, तू मुझसे राजी हो जा। अब तो सखी के दर पर बिस्तर जमा, बस बिस्तर जमा लिया। तो ये एक्चुअल मकसद ये है कि ये जो हम झोली पसारते हैं या जो हम अल्लाह की बारगाह में बैठते हैं, बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये होता है कि हमें इस बात का यकीन है, इस बात का यकीन है कि एक रब है जो हमारी सुन रहा है, एक रब है जिससे हमारा ताल्लुक है। देखिए, ये जो 10 दिन होते हैं ना, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, आप ये सोचिए कि इंसान बुनियादी तौर पर ये मैसेज दे रहा होता है कि मैंने दुनिया को लात मार दी है, चाहे मैं बहुत बड़ी तोप चीज हूं, यानी मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, ताकत है, कुव्वत है, इज्जत है, शोहरत है, जो कुछ भी है, मैंने सब कुछ एक तरफ रखा और बस अल्लाह तबारक ताला को राजी करने के लिए मैं एक जगह आके खामोशी से बैठ गया हूँ, अब वो है और मैं हूँ और इसके अलावा कोई नहीं है। ब्यूटीफुल, ये तो माहौल भी इतना खूबसूरत इन्होंने खींच दिया कि वाकई मैं हूँ और अल्लाह और कोई नहीं बीच में, और वाकई ये हमारे और अल्लाह के बीच की चीज होती है। वक्त हो चला है, जाहिर बात हम ये सारी गुफ्तगू चलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे और हम जाएंगे कलाम की तरफ या ब्रेक की तरफ। ब्रेक की तरफ जनाब, आप देख रहे हैं सुभान रमजान, हमारे साथ रहिए, लेते हैं एक अदद ब्रेक। सुभान रमजान, डेटॉल दे आम साबुन के मुकाबले में 100% बेहतर हिफाजत। माँ माने सिर्फ डेटॉल का धुला। रखिए इस दिल का ख्याल नए हबीब कुकिंग ऑयल के साथ। इसमें शामिल है फ्लो कैटलिस्ट, जो बना है विटामिन ए, डी, ई, ओमेगा 3 और 6 से मिलके, ताकि रहे आपका दिल रवा दवा। क्या करें, दिल का मामला है। क्या हुआ, कैसे? बस वो पानी पिया था इसने। अगर हैं आप ईमान से जुड़े और अज़्म पे कायम, तो हम हैं आपके साथ। बैंक अल फलाह इस्लामिक
द वे फॉरवर्ड। इफ्तार रिमाइंडर को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है, क्योंकि खालिस ही सब कुछ है। नेस्ले 150 इयर्स। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज इफ्तार के औकात। जी जनाब, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं सुभान रमजान, और बड़ी बातें हैं करने को। बकद हमें डिस्कस करना है कि कल से क्या शुरू हो रहा है इतिकाफ और उसकी फजीलतें, लेकिन फिलहाल हम आपको लेके चलेंगे एक अदद कलाम की तरफ। आपको हमने बताया था कि हमारे साथ मौजूद हैं नकीब अहमद कादरी, बहुत जाने माने हुए नाथखों हैं। जी भाई, क्या सुना रहे? हुजूरे हक से सलाम आया, बयाम आया, जगे मुकद्दर हुजूरे हक से सलाम। क्या बात है, बहुत खूबसूरती से पेश किया नकीब अहमद कादरी को आपने, सुना जहे मुकद्दर। और हमारी गुफ्तगू जो थी वो जारी और सारी थी एतिकाफ के ऊपर। मुफ्ती साहब हमें कुछ बता रहे थे। जी मुफ्ती साहब। जी, एतिकाफ के ऊपर हमारी बात जारी है। एतिकाफ जो है ये आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। जी,
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری کے اندر اس اعتکاف کو کبھی بھی مس نہیں فرمایا، یعنی اعتکاف پر ہمیشہ ہمیشگی اختیار فرمائی اور مداومت اختیار فرمائی، اور کسی اعتکاف کا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناغہ نہیں فرمایا۔ اس سے ہمیں اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی خاطر وہ اعتکاف کیا تھا، مگر مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے کہ وہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو جو میرے ساتھ اعتکاف کرتے تھے اب ان کے لیے یہ ہے کہ وہ آخری عشرے کا اعتکاف کریں۔ چونکہ اعتکاف کی جو اصل مقصدیت ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، وہ جستجو ہے کہ وہ عظیم رات ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، افضل تو وہ ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل رات وہ رمضان المبارک میں ہے، پھر آخری عشرے میں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے امت کی آسانی کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ وہ آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر ہے، اسے اس کے اندر تلاش۔ کیا بات اور معتکف جب اعتکاف بیٹھتا ہے لیلۃ القدر کی تلاش میں، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس کی فضیلت میں آیا ہے کہ معتکف کی کچھ نیکیاں تو وہ ہوتی ہیں جو وہ اعتکاف میں بیٹھ کر کر رہا ہوتا ہے، وہ عبادت ہے، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، اور بہت سارے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے جو اگر باہر کی زندگی میں مشغول ہوتا تو شاید مبتلا ہو جاتا، بہت سی بیکاریاں، ٹی وی وغیرہ، ان چیزوں سے بچ جانا اور پھر عبادات اور اعمال کے اندر مشغول ہو جانا، یہ تو اس کی فضیلت اپنی جگہ رہی۔ مگر اس کی ایک اور فضیلت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، فرمایا کہ جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے اور باہر جو نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ نیکیاں کہ جو اعتکاف میں سر انجام نہیں دی جا سکتی اور اعتکاف کے علاوہ انسان ان نیکیوں کو ادا کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ معتکف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان نیکیوں کا اجر بھی عطا فرماتا ہے جو وہ اعتکاف کے باہر کر سکتا ہے، وہ نیکیاں بھی اسے عطا کر دی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو معتکف ہے اس کا دامن بھر جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جتنے نیکیاں اعمال ہیں اس کا اجر اور ثواب بڑھا دیتا ہے، کئی گنا بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک طرف تو اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی جاری ہوتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ بڑھا دیتا ہے، اور فرمایا کہ ایک خندق ان میں سے ایسی ہے کہ جس کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک اگر کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے مفہوم یہ حاصل ہوتا ہے کہ اسے دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے اور اسے جنت کے قریب تر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی کمال بات ہے، یہ بڑی اچھی۔ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، مفہوم یہ، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے 10 دن کا اعتکاف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجل کریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ، جو مسلمان 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایکچوئل اعتکاف کی تھوڑا سا اس کی جو بنیاد ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، چونکہ اب نوجوان طبقے میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اعتکاف کا کانسیپٹ بہت بڑھ گیا ہے اور ہمارے یہاں ینگ جنریشن جو ہے وہ اس طرف بہت جا رہی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اب باقاعدہ انتظام ہوتا ہے مساجد، تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ بہت خوش آئین بات ہے، یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے بڑی ایک تمانیت پہنچتی ہے، ایک بڑا سمجھ لیجیے دل کو اطمینان پہنچتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں تصور بہت بڑھ گیا ہے۔ لیکن میں انہیں نوجوانوں سے مخاطب ہوں اگر وہ میری بات سن رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کل آپ نے جانا ہے اور کل سے انشاءاللہ پھر آپ کا یہ معاملہ شروع ہوگا، اور 10 دن تک آپ سوچئے، میں تو یوں کہوں دوسرے لفظوں میں کہ آپ اللہ کے مہمان بن کے جو ہے جی 10 دن تک اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں گے جی۔ تو اب ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے محسوس کیا، جس کی میری آبزرویشن پچھلے 2-3 سال سے ہے، چونکہ ہمارے یہاں ڈیٹا پیکیجز اور وائی فائی اور انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں، تو ہم ہوتا یہ ہے کہ اپنا اینڈرائڈ فون اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں جی۔ ایکچولی اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے آپ اپنے آپ کو کاٹ کر صرف اور صرف رب کعبہ سے جوڑ دیں، بس
इसके अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह आपसे कुछ नहीं चाहता, अल्लाह ये चाहता है कि आप किसी जगह कोने पे बैठ जाइए और बैठ के सिर्फ उसका जिक्र करें, उसकी बात करें, उसकी याद करें, बस आपका और कोई काम नहीं है। अब जब आप दुनिया से कट जाते हैं तो कटने के बाद जो ये आपके साथ आपका फोन है ना, ये बड़ा मनहूस काम है, ये बड़ा अजीब काम है कि जो एंड्रॉइड फोन के अंदर आपकी एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड कर देते हैं जिसमें आप व्हाट्सएप भी लिए हुए हैं, वाइबर भी लिए हुए हैं, स्काइप भी लिए हुए हैं, फिर फेसबुक भी आपकी जो इंस्टॉल हुई होती है, ट्विटर भी आपका इंस्टॉल हुआ हुआ होता है, नतीजा ये निकलता है कि आप होते तो एहतिकाफ में लेकिन आप मुख्तलिफ व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर जो है वो शामिल एक्टिव होते हैं। अब उसका जो स्टेटस आ रहा है आपकी निगाह उस स्टेटस पे भी होती है कि शारिक भाई ने किसकी तारीफ की या जुनेद इकबाल ने किसकी बुराई की, आप वो देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, उस पर आप कमेंट भी कर रहे हैं, आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं साहब के फेसबुक पे इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या चीजें आई हैं, क्या क्या चीजें गई हैं, कौन सी नई मूव्स हो रही हैं। उसमें कुछ ऐसे मनाजिर भी होते हैं। देखें बात यह है कि बहुत से लोग हैशटैग करते हैं बहुत सी ऐसी चीजें जो बहुत वल्गर होती हैं, जो इंसान की निगाह देख नहीं सकती, लेकिन हमें मेरा कहना यह है कि आप इन सोशल वेबसाइट्स पर जाने की बजाय इस फेसबुक को, ट्विटर को, इवन व्हाट्सएप ग्रुप से बिल्कुल अपने आप को काट दें। आपका सिर्फ एक ही ग्रुप से ताल्लुक होना चाहिए, एक ही ग्रुप। देखिए सारे व्हाट्सएप ग्रुप से अपने आप को काटें, सारे जितने भी और दीगर कनेक्टिविटीज है उससे काटें, हर ग्रुप से काटें और एक ग्रुप से जुड़ जाएं जो अल्लाह और उसके रसूल का ग्रुप है, बस। जो एहतिकाफ करने वालों का ग्रुप है, जो अल्लाह को याद करने वालों का ग्रुप है, जो अल्लाह को राजी करने वालों का ग्रुप है, जो ताक रातों में शब कदर को तलाश करने वालों का ग्रुप। बहुत खूबसूरती से बयान किया। और अब इन्होंने जब पॉइंट इन्होंने कहा कि ये सारी सोशल साइट्स वगैरह यानी कि ये किन का जिक्र है, नौजवानों का, तो मुफ्ती साहब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि नौजवानी के अंदर एहतिकाफ बैठने के फजाइल वो बयान कर दीजिए। देखिए जो जुनैद भाई ने बात की, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि एतिकाफ का असल मकसद तो यही है कि आप दुनियावी मसरूफियात और मशागल से थोड़ा अपने आप को मुनकता करें जी, कट जाएं जी। तो अगर इंसान एतिकाफ में जाने के बावजूद भी वो उसका दिल बाहर और बाहर रहने वाले लोगों की तरफ शागिल रहता है तो फिर उससे वो एतिकाफ का जो रूह है उसकी जो मकसदियत है वो मजरूह होती है जी। तो इस वजह से इन चीजों की एहतियात जरूरी है। अगरचे जब जायज और नाजायज होने की बात हम करेंगे तो ये चीजें नाजायज में नहीं आएंगी, आके उसमें कोई गलत चीज ना आ जाए जिसकी तरफ इन्होंने, लेकिन अफजल और बेहतरी की बात तो जायज और नाजायज अपनी जगह है, मगर वो जो एतिकाफ है उसकी रूह यही है कि आप उन जायज रिश्तों और जायज कामों से अपने आप को मुनकता करके खलवत नशीनी इख्तियार करें जी। तो वो खलवत नशीनी की रूह उसी के अंदर है। तो इसमें लिहाजा जवान है और जवानों के लिए तो मुशक्कत करना आसान होता है, इसलिए वो रातों को जागें, दिनों को तिलावत कलाम मजीद के अंदर अपने आप को मशगूल रखें और जितना जिस्मानी मुशक्कत इसमें कर सकते हैं, यही वक्त है, यही उम्र है और यही मौसम है, जितना अल्लाह ताला की रहमतों को हासिल कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ब्यूटीफुली, मतलब बहुत खूबसूरती से इन्होंने हमें समझाया और बयान किया। और इसमें ज्यादा अफजल बात वही है कि अल्लाह से लौ लगाने के ये 10 दिन है तो फोकस कर लें, जितना फोकस, जाहिर बात है इसमें वो ये नहीं करे कि नाजायज नहीं है, लेकिन अफजल और बेहतर बात यही है कि आप फोकस्ड रहें और अपनी मकसदियत पे कायम रहें। जनाब ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए, वक्त तो चला एक अदद ब्रेक का, सुभान रमजान में मिलते हैं थोड़ी सी देर में। जनाब अली वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं सुभान रमजान और काफी गुफ्तगू हुई हमारी एतिकाफ पर और जारी है, अभी भी जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा, लेकिन फिलहाल एक अदद कलाम की तरफ लेके जाएंगे। एक बहुत खूबसूरत आवाज हमारे साथ मौजूद है, कलीम शेख इनका नाम है और ये हमें कोई कलाम सुना रहे हैं जी। कलीम से काम होगा
سبحان اللہ, آواز سنی آپ نے کلیم شیخ کی اور بہت خوبصورت کلام پیش کیا, اور خوبصورتی جب بات آئی تو کبھی کبھار خوشبوئیں بھی ایسی خوبصورت خوشبوئیں بن جاتی ہیں کہ انسان اسپیشلی جب افطار کا ٹائم قریب آتا جا رہا ہو اور انسان سڑک سے گزر رہا ہو اور برداشت نہ ہو رہا, لیکن وہ اللہ کی بھیجی ہوئی لذتیں تھوڑے انتظار کے بعد جب منہ میں جاتی ہیں, کیا بات ہوتی ہے. لے کے چلتے ہیں آپ کو فوڈ اسٹریٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کی لذتیں کیا ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ اسٹریٹ. جی جناب, میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کالونی میں. حیدرآباد کالونی کا جب نام آتا ہے تو مزے مزے کے پکوان, چٹکارے دار ذائقے اور کچے گوشت کی بریانی. بریانی کھانے والوں ہو جاؤ تیار, آج عثمان لایا ہے فوڈ اسٹریٹ میں آپ کے لیے حیدرآبادی کچے گوشت کی بریانی. لیکن صبر, روزہ ہے, ہم آپ کو کھلاتے ہیں دکن کے ذائقوں میں, آئیے میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام انکل, یہ آپ نے مرچیں ڈالی ہیں؟ جی سر. ان مرچوں میں آپ نے کیا ملا ہے؟ کیا اس میں آم چور ہے, مرچیں ہیں, کھٹائی ہے, املی ہے, اور یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی مرچیں تیار ہو چکی ہیں. جی ناظرین, یہ ہے وہ مزیدار حریص جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی حریص نہ ہو تو مزہ نہ آئے. لیکن حریص جو ہے ہماری عربک ڈش ہے, حیدرآبادی ہمارے بھائیوں نے اسے ماشاء اللہ بہت مزیدار کر دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر بھائی جو بتائیں گے کہ کس طرح حریص بناتے ہیں, ان سے ریسیپی پوچھیں گے حریص بنانے کی. السلام علیکم طاہر بھائی. وعلیکم السلام. طاہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم سمجھ. ماشاء اللہ طاہر بھائی, رمضان کریم آپ کو بہت بہت مبارک. طاہر بھائی, یہ حریص ہے, یہ بتائیں اس کے بارے میں, بتائیں کیا کیا ڈالتے ہیں؟ اس میں صرف گندم اور گندم رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تقریباً حلیم کی طرح ہی ہوتا ہے, اور اس کو جو ہے گھوٹا جاتا ہے. حلیم میں دالیں ہوتی ہیں, اس میں دالیں نہیں ڈلتی, کیونکہ عرب سے چلا رہا ہے. عرب میں آپ دیکھیں, عرب سے چلا رہا ہے, لیکن ٹریڈیشن چینج ہوا. ٹریڈیشن چینج ہونے کے بعد یہ جو ہے ہمارے مسالے آ گئے حیدرآبادی. صحیح, عرب سے ہمارے پاس آیا, اور عرب سے آیا پھیکا تھا یہ, ہم نے اپنے مسالے ڈال کے اس کو چٹپٹا کر دیا. چٹپٹا کر دیا. ناظرین دیکھیں, یہی فرق ہوتا ہے, وہاں سے آیا تو پھیکا تھا, یہاں آیا تو چٹپٹا کر دیا. چٹپٹا کر دیا. جب چٹپٹے چیزوں کی بات آتی ہے, جب مسالوں کی بات آتی ہے, تو پیپسی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہیں ہم, اور سویا سپین کے ساتھ حریصہ بنتا ہے بھائی یہ والا. بالکل. تو طاہر بھائی, یہ پوسی جو میں اب اس کو پیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں, پیک کرتے ہیں, پیک کرتے ہیں, پیکٹ بناتے ہیں. پیک بیٹا, آپ پیک کریں. تیل تیل لے لیجیے گا, تھوڑا سا تیل وغیرہ میں تیل ہے سویا سپین کا, یہ لے لیں. یہ پیاز سپین کا بگارا ہوا تیل ہے, میں نے اس میں ڈالا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ دیکھیں ناظرین, جی ہم بھی حریصہ والے بن گئے بھائی. بہت حلیم پیک کی ہے بھائی نے. ہاں پریکٹس بہت ہے بھائی, بہت پریکٹس ہے بھائی, زبردست. ماشاء اللہ آدھا کلو, یہ آدھا کلو ہو گیا تقریباً, ہو گیا ہے. اب دے دیں بچے کو, دے دیں آگے, دے دیں, یہ کر لے گا وہ, ویٹ پورا کر لے گا اس کو. یہ دیکھیں دیکھیں طاہر بھائی, پورا سب کچھ آتا ہے مجھے. بالکل آپ, بالکل یار, آپ تو بالکل شیف ہو, بالکل تمام چیزیں ملیں گی. آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں اچار اور چٹنیوں کی جانب. آ جائیں آ جائیں. ناظرین طاہر بھائی کی پوری فیملی 1950 سے اس چٹپٹے یعنی کہ لذیذ ترین کھانوں کا کام کر رہی ہے ماشاء اللہ. اس میں آپ کو یہ مختلف پاپڑ بھی نظر آ رہے ہیں, اچار بھی ہیں, چٹنیاں بھی ہیں, حیدرآبادی کھانے بھی ہیں, اور حریص بھی ہیں. طاہر بھائی, کبھی کچھ پریشانی ہوئی آپ کو؟ نہیں سر, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی, کہ ہم نے شروع سے والد صاحب کے ہاتھ پہ سوٹ سیکھا ہے, ہم نے والد صاحب نے دادی کے ہاتھ سے سیکھا تھا. ماشاء اللہ بھائی, ماشاء اللہ. اور جو ہے یہ آج نہیں, 1950 گزر گئے ہیں, اور میری عمر 44 ہے. والد صاحب نے اس کو ٹرین کیا, پورا سیٹ کو چلایا, اور ہماری آج
क्या नाम है इसको हम लोग लेके चल रहे हैं और ये लोगों ने सीरियस हो गए बिल्कुल ताहिर भाई बिल्कुल सीरियस हो गए नाजरीन ताहिर भाई जी और हम बात हो गई माशाल्लाह 44 एज है मेरी दादी ने शुरू किया था बस उसके बाद इसमें हमारे एक भाई की डेथ भी हुई है अभी कुछ अर्से पहले अच्छा ये मुहर्रम में अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए आमीन। नाजरीन आप देख रहे थे फूड स्ट्रीट, अपने मेजबान उस्मान को फूड स्ट्रीट से दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई जगह एक नए जायके के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छी है हमारे लिए कि बच्चों को जो लर्निंग पॉइंट्स मिल रहे हैं बड़ों के लिए भी बड़ी अच्छे पॉइंटर्स हैं। जी मुफ्ती साहब जी, जैसा आपने खुद ही इस बात का इजहार किया है, तरबियत वैसे एक मुश्किल अमल है। जी हाँ, बच्चों की तरबियत करना ये इतनी कोई आसान नहीं होता। यहाँ हम देख रहे हैं कि देखिए बच्चे की तरबियत जिस नहज पे जा रही है ना, उसको अच्छे और बुरे का पता चलता जा रहा है। अगर ये फितरत और ये आदत और ये तमीज़ उसके अंदर डिवेलप हो गई कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो फिर वो इंसान ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ सीख जाता है, समझ जाता है। और चूंकि एक एक बात तो आप उसे बता नहीं सकते, हर वक्त माँ बाप भी तो साथ नहीं हो सकते भी ये करें और ये ना करें, ना ही वो कोई रोबोट है, ना ही आपने उसे कोई हर अमल के ऊपर डिक्टेट करना है। तो बेसिकली तो उसकी ऐसी साइकी डिवेलप करनी है कि जिससे वो अच्छे और बुरे के अंदर तमीज़ कर सके और अपनी ज़िंदगी को संवार सके। सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और इसके अंदर मैं अभी हम उस नुक्ते पर अगर गौर करें, देखें बच्चा इफ्तारी देना, पहले हमने देखा कि उस बच्चे ने खुद आकर माँ से कहा था कि बाहर कोई इफ्तारी के लिए मांगने वाला है, तो वो लेके गया और जाके दिया। जी तो आज उसे कहा जा रहा है और वो नहीं जा रहा, क्यों? ये जो एक गुनाह है या एक गलती है वो इंसान को दूसरी गलती में मुबतला करती है। एक गुनाह इंसान को दूसरे गुनाह में मुबतला करता है। जी। एक दफा का झूठ बोलना इंसान को दूसरी बार के झूठ बोलने पर मजबूर करता है। तो ये भी एक खास बात है इंसानी रवैये के अंदर कि अगर हम किसी के साथ एक बार ज्यादती कर लेते हैं तो वो हमारा जमीर हमें मलामत कर रहा होता है, तो हम उसके साथ दूसरी भलाई करने से फिर रुक जाते हैं। तो लिहाजा अपनी इसलाह इसी में है कि हर लम्हा एहतसाब जारी रहना। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर लम्हा एहतसाब जारी रहे। और सेकंडली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पेरेंट्स शुड बी देयर, बच्चों पे ये मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि कोई और जो आके बता रहे, माँ बाप को खुद पता होना चाहिए कि बच्चा ये कर आया है, तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क आएगा और बच्चा भी तभी सेल्फ रियलाइजेशन मोड पर आएगा कि माँ बाप जब चार चीजें ऐसी होंगी जो बच्चा नहीं बताएगा और माँ बाप कहेंगे नहीं तुमने ये किया था, तो बच्चा चौथी दफा खुद बताएगा कि भाई इनको पता तो चली जाना है, तो खुद ही बताते। देखे ना, एक अच्छी बात ये थी अब्दुल्ला की जो मुझे आज बहुत उसमें एक स्पार्क महसूस हुआ कि जब उसे दादी ने बता दिया, दादी पप्पो ने, कि अब तो तुम्हें सोने का सिक्का मिल जाएगा, उसने खुद पूछा कि मैं अगर ये काम कोई कर दे तो क्या रोज़ा कबूल हो जाएगा। इट मींस उसकी अब जहन में ये बात पैदा हो गई है कि राइट और रॉन्ग क्या है। जी हाँ, एक्चुअल अब वो ब्लंडर्स कर रहा है, अब उसके अंदर की जो शरारतें हैं ना, जो बचपने के तहत शरारतें होती हैं, अब वो बाहर आ रही हैं। लेकिन इसमें जो बड़ा मैसेज है ना, जिस बात को समझना होगा वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने तवातुर से पड़ोसियों के हुकूक के बारे में फरमाया, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन एक लम्हे ये समझते थे कि कहीं विरासत में भी इनको जो है सिदार न ठहरा दिया जाए। इतने हुकूक हैं, यानी देखिए ना, जो पड़ोसी आपकी शरारतों की वजह से तंग हो, दाखिला आपका जन्नत में बंद हो गया ना। जी अब सवाल ये है कि हम करते क्या हैं। अगर हम इस वक्त अपनी पोजीशन को देखें, जो हम बड़े सो कॉल्ड जो बड़े हैं, जो कहीं कहीं दही बड़े हो जाते हैं है ना, जो अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं करते, यानी कुछ खाया कचरा उठा के पड़ोसियों के मतलब जो है बाहर फेंक दिया दरवाजे के, पानी के टैंक का मसला है अगर शेयरिंग हुई है तो उसमें पहले हम लेंगे बाद में पड़ोसी को देंगे। जी अगर कोई लाइट का प्रॉब्लम आ गया, हमारे यहाँ जनरेटर मौजूद है, पड़ोसी जो है बेचारा जो है वो अंधेरे के अंदर मर रहा है, गर्मी में सड़ रहा है, हम उससे नहीं पूछेंगे। हमारे यहाँ बहुत अच्छी इफ्तारी बन रही है, बहुत अच्छी सहरी बन रही है, अल्लाह की सारी नेमतें हमारे दस्तरखान पर मौजूद हैं, कभी हमने ये सोचा है कि हमारे पड़ोसी के घर में जो खुशबू जा रही है, देखें हुक्म यहां तक है कि अगर कोई मौसम का फल लाओ तो छुपा कर लेकर आओ, खाना अगर पकाओ तो उसकी खुशबू तक जो है ना जाए, क्योंकि उससे वो एहसास कमतरी में मुबतला होगा। तो हम कितना उनका ख्याल कर रहे होते हैं, इवन हमने गाड़ी पार्क कर दी उनके घर के आगे, हमने दीगर चीजों को जो है उनके घर के आगे रख दिया, हमने यानी कभी ये सोचा कि हमारी तकलीफ यानी हमारी वजह से जो है हमारे पड़ोसियों को कितनी राहत पहुंचती है या कितनी तक, पड़ोसियों का जो हक है वो 40 घरों तक है,
हम तो एक घर को पूरा नहीं कर पाते साहब, 40 घर तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे जो गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि ये अब्दुल्ला का केस तो है, लेकिन हमें चाहिए कि हम मिन हैसुल मजमू अपने रवैयों पे भी जरा गौर करें कि हम बुनियादी तौर पे अपने पड़ोसियों के साथ क्या ट्रीट करें। Exactly. और ये जो इन्होंने पड़ोसी के हकूक की बात की, दरवाजे के सामने गाड़ी, ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है, क्योंकि ओवरऑल शहर में आपके यहाँ पार्किंग के इश्यूज हैं, मार्केट स्प्रेड अप हो रही है और अतराफ में घर होते हैं, तो ये भी मैंने देखा है लोग अब दो मिनट के लिए जा रहे हैं, किसी एक गेट के आगे गाड़ी खड़ी कर गए। खुदा का माने, खुदा का खौफ करें कि किसी के गेट के आगे उसकी अपनी गाड़ी निकलना, कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को हॉस्पिटल लेना हो, ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें होती हैं जो कि आप मतलब वो छोटे अब्दुल्लाओं की नहीं, हम बड़े अब्दुल्लाओं का मसला है। तो अगर हम इसको करेक्ट कर लें बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे हम। और वक्त हो चला है एक अदद ब्रेक का, हमारे साथ रही है सुभान रमजान। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। 14 साल अशफाक अहमद जो 3 साल पहले अपने गांव से कराची आया, मेहनत और लगन के अलावा पढ़ने लिखने की चाह इस हद तक है कि अशफाक सुबह स्कूल जाता है और शाम में एक कैंटीन में काम करता है। मेरा नाम अशफाक अहमद है, मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं, जिसकी वजह से मैं काम करने के लिए निकला हूँ। मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में पांव टूट गया, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकते। अशफाक अहमद कराची में कुछ दोस्तों के साथ रहता है, घर का किराया और स्कूल की फीस इतनी है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो चाहता है कि कोई उसकी पढ़ाई के लिए मदद करे। मैं सुबह के टाइम में पढ़ने जाता हूँ और शाम में काम करता हूँ। फीस अफोर्ड नहीं हो सकती, कोर्स अफोर्ड नहीं हो सकता, मेरी हेल्प की जाए ताकि मैं स्कूल की फीस अदा कर सकूं। आज अशफाक दिन रात मेहनत करके तालीम की शमा को जलाए रखने की कोशिश में लगा हुआ है। जी जनाब, ये आपने देखा एक और बच्चे की कहानी, एक और पाकिस्तानी की कहानी और एक और तालिब की कहानी, जिसको इल्म की तलब इतनी है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, जितनी मेहनत करनी पड़े उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो करने के लिए तैयार है। हमें फख्र होना चाहिए ऐसे पाकिस्तानियों पे कि जो ये नहीं सोचते कि ये मसला और ये मसला और यूं रुकावट और ऐसे और वैसे, वो सिर्फ आगे बढ़ना जानते हैं और जो खुद आगे बढ़ता है उसकी अल्लाह ताला भी मदद करता है। इस बच्चे का नाम अशफाक है, आपने पैकेज देख लिया, मैं तो पहले नाम से मुझे बताया, मैंने कहा ये तो बड़ा बहुत बड़ा नाम है अशफाक अहमद साहब, तो हमने बड़ा पढ़ा है उनको और बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, तो आज हम ये छोटे अशफाक अहमद से बात करते हैं। क्या हाल है अशफाक, कैसे हो? अल्लाह का करम है, खैरियत से। अशफाक क्या उम्र है तुम्हारी? 14 साल। 14 साल, कहाँ के रहने वाले हो? मुल्तान। कब आए कराची? 11 साल की उम्र में। 11 साल की उम्र में ये बच्चा, मुझे बता किसके साथ आए? अकेला आया था। अकेला, बस एक दिन ऐसे ही दिमाग में आया और निकल गए? जी, अब्बू से लड़ाई हुई थी तो मैं घर छोड़ गया। अब्बू से लड़ाई हुई थी तो मुझे बताओ अब्बू क्या करते हैं तुम्हारे? मेरे अब्बू रिक्शा ड्राइविंग करते हैं, रिक्शा ड्राइविंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनका पांव टूट गया। अच्छा, तो मुझे बताओ कि जब तुम घर छोड़ के दूसरे शहर आ गए कराची, तो बहुत बड़ा एक समंदर है भाई, यहाँ तो कोई मुल्तान को पीछे पीछे नहीं आया, ढूंढते हुए नहीं आया, रोका नहीं तुम्हें? जी नहीं, नहीं आया। तुम्हारा दिल तो करता हो कि वापस जाओ, माँ बाप की खिदमत करो, बीमार भी हैं वो? मेरे अब्बू मुझसे नाराज़ हैं जिसकी वजह से वो मुझे घर पे नहीं आने देते। अब्बू नाराज़ हैं, चलो नाराज़गी तो वो तो अब्बू हैं, अब्बू बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप की नाराज़गी जो होती है ना बस ऊपर ऊपर की होती है। तो मुझे ये बताओ कि तुम करते क्या क्या हो यहाँ? मैं सुबह में स्कूल जाता हूँ और उसके बाद कैंटीन में काम करता हूँ। मुझे किसी ने बताया है कि ये जो शर्ट तुम पहने हुए हो ये तुम्हारे अपने हाथ की सिली हुई? जी हाँ। ये बिल्कुल सच बात है? जी। ये तो माशाल्लाह यार, तुम बड़े टैलेंटेड आदमी हो, तुम इतनी अच्छी शर्ट पहने हुए हो, टेलरिंग का काम भी आता है, तो ये तुम कैंटीन का जो भी हमने पैकेज देखा उसके अलावा टेलर मास्टर का भी काम करते हो? जी। ओके, तो ये फिर
पैसे जमा करके घर भेजते हो या अपनी पढ़ाई पे लगाते हो? जी अगर बचते हैं तो मैं घर पे भेज देता हूँ, वरना ये पैसे मेरी पढ़ाई में काम आते हैं। मुझे ये बताओ, अम्मी याद नहीं आती हैं? याद तो आती हैं। अब्बू याद नहीं आते? वो भी याद आते हैं। बहन भाई कितने हैं? हम 5 भाई हैं और 1 बहन है। ओके, तो ये सब जी नहीं करता कि इनसे मिलो? कितने साल हो गए? 3 साल हो गए उनसे मिले हो? जी। वापस जाके वाले साहब से माफी मांग लो। माँ बाप तो बड़े बहुत प्यार करते हैं, वो तो फौरन माफ कर देंगे। हैं जी मुफ्ती साहब, ये मुझे बताइए, अगर नाराजगी हो जाए तो ये तो माँ बाप का प्यार तो ऊपर ऊपर का होता है, वो तो अंदर से तो कैसे हो? इस कहानी के बहुत सारे पहलू हैं, मैं हदीस पाक की तरफ आना चाहता हूँ। जी, एक शख्स की वफात हो गई। जी, आका अलैहिस्सलाम पहुंचे, नहीं हालत नजा में थे। अच्छा जी, रूह नहीं निकल रही थी और उस हालत नजा के अंदर थे, तो आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो मालूम हुआ कि इनके वालिदैन इन पर नाराज हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लकड़ियाँ जमा करो और मैं इनको जलाता हूँ। तो जब ये उनके वालिदैन को बात पहुंची कि आका अलैहिस्सलाम ये करने लगे हैं, तो वो आए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, वालिदैन की नाराज़गी के साथ अगर ये दुनिया से चला जाएगा तो इसके लिए तो जहन्नम का अज़ाब है, लिहाजा अगर आप इसके साथ मोहब्बत और शफ़क़त रखते हैं तो इसे यहाँ माफ़ करें। तो उन्होंने मौके पर माफ़ कर दिया। तो मैं इस हदीस पाक के वाक़े से ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि वालिदैन का नाराज़ हो जाना किसी भी गलती के सबब होता है, और वालिदैन जब नाराज़ होते हैं तो वो बच्चे की कोई ना कोई गलती होती है, वो उसकी इसलाह चाहते हैं, और बच्चा कभी ज़िद करता है, इसलाह नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता, फिर वो नाराज़ होते हैं। मगर ये सब बातें नेचुरल हैं। मैं ये कहना चाहूँगा वालिदैन से कि वो अपनी औलाद के साथ नाराज़गी को सिर्फ उस हद तक रखें जिस हद तक बच्चे इसलाह की तरफ आ सकें। ये ऐसी नाराज़गी नहीं होनी चाहिए कि जो ज़िद और हठ धर्मी में बदल जाए, वो औलाद के लिए दुनिया और आखरत में नुकसान का ज़रिया होती है। और औलाद को भी चाहिए कि अगर कोई बात उनकी समझ में नहीं आ रही तो वालिदैन की बात को मान लें कि वो बड़े हैं, वो उसके बारे में ज़्यादा अच्छा जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाकी इस बच्चे की जो हिम्मत है उसको दाद देनी है, और हम दाद देते हैं। ये पढ़ भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, इल्म के साथ शगफ भी है और ख़ुद मेहनत भी करता है, तो अल्लाह ताला ने इसको टैलेंट दिया है। तो हम इसको भी यही नसीहत करेंगे कि बड़ों का अदब करना चाहिए, खास तौर पर वालिदैन कुछ भी कहें, समझ में आए या ना आए, उनकी पैरवी करनी चाहिए। और वालिदैन से भी हम ये अपील करेंगे कि आप इस बच्चे के साथ नरमी करें, और ये बच्चा है, इसके जज्बात हैं, इससे मिलिए और इस पर दस्त शफ़क़त रखिए। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बात ये है, कभी कभार उल्टा भी हो जाता है, कभी कभार ये होता है कि हम माँ बाप को कुछ समझा रहे होते हैं, माँ बाप नहीं समझ पा रहे होते, तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि माँ बाप किसी गलत बात पर नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन माँ बाप मेरे ख्याल से माँ बाप होते हैं, अगर उल्टा भी हुआ, एक तो सिनेरियो उन्होंने बता दिया कि इनकी गलती, और अगर उल्टा हुआ हो कि भाई माँ बाप कोई ऐसी बात हो जो ये सही कह रहा हो वो ना समझ पा रहे हो, तो भी मेरे ख्याल से मैं इसके देता हूँ सिर्फ एक जुमले में। बेटा मुझे सिर्फ इतना बता दो, वजह क्या बनी बाप से नाराजगी की? वो वजह एक जुमले में बता दो बस। वो वजह जो है, आप सिर्फ उनको ये बताएं कि अपील करें कि भाई बच्चा है। अच्छा, कोई ऐसी बात है जो नहीं बता सकते? जी। अच्छा ठीक, चल अब बात यह है कि मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी होगी, दो बातें देखो इसमें। एक तो बेटा बात यह कि ज़ाहिर मुफ्ती साहब बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में बोलना ऐसा है मैं सूरज को चराग दिखाऊं, लेकिन वालिदैन जो है ना, उनका हक ये है कि एक सहाबी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी वालिदा को अपने कंधों पर उठाकर हज कराया। मोबाइल बंद कर दें, अपना बंद करें जल्दी से। क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? लाओ मुझे मोबाइल दो, अपना इसको बंद करो। एक सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी वालिदा को अपने कंधों पर उठाकर हज करवाया, क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? फरमाया, उस रात का भी हक अदा नहीं किया कि जिस रात वो गीले पे सोई थी और तुझे सूखे पे सुलाया था, उस रात का भी हक नहीं अदा हुआ। तो मेरा बच्चा, ये जो माँ बाप है ना, माँ बाप ये पता है क्या होते हैं, ये राज़ी है ना, माँ राज़ी है, बाप राज़ी है, तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़ों को खुला रखता है। जी। जन्नत के बारे में मालूम है ना? जी। है ना, पढ़े लिखे हो माशाल्लाह और पढ़ रहे हो, हमारा तो दाइमी घर जन्नत है ना। जी। तो जन्नत के दरवाज़ों को अल्लाह ताला माँ बाप की खुशी से राजी मतलब खोला रखता है। और अगर ये दोनों नाराज़ हैं ना, नाराज़ हैं, अगर दिल दुखा हुआ है, जैसे मुफ्ती साहब ने एक रिवायत बताई ना, दिल दुखा हुआ है, तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़ों को बंद कर देता है और दोजख के दरवाज़ों को खोल देता है।
और अगर इसमें से कोई एक नाराज है, यानी बाप नाराज है या माँ नाराज है, तो दोनों में से एक दरवाजे को अल्लाह ताला खुला रखता है, यानी जहन्नम के। तो मेरा बच्चा माँ बाप के अलावा तो कुछ है ही नहीं, इनका तो ऐसा है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माँ के कदमों को बोसा दिया, ये जो पैर होते ना पैर, अभी आप मेरी तरफ करोगे मैं क्या कहूँगा, बदतमीज़ हो आप पढ़े लिखे नहीं हो, है ना, लेकिन माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, इसको तुम बोसा दोगे ना तो ऐसा है कि जैसे तुमने जन्नत के दरवाजे को बोसा दिया है। और तुम्हें पता है बाप का मकाम क्या है, सुनो मुझसे, बाप का मकाम ये है कि बाप की दुआ के दरमियान, यानी अल्लाह और बाप की दुआ के दरमियान कोई शय हाइल नहीं है। अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में, यह आखिरी बात कर रहा हूँ, अल्लाह जो है ना अल्लाह, वो नाराज़ होता है बाप की नाराज़गी की वजह से, और अल्लाह राज़ी होता है बाप की रजामंदी की वजह से। तो जाकर अपने बाप को राज़ी कर लो, बिल्कुल। और वालिदैन से मैं गुजारिश करूँगा, ये माशाल्लाह इतना टैलेंटेड बच्चा है, इतनी मेहनत कर रहा है, कराची जैसे शहर में आके अपने आप को मनवा रहा है माशाल्लाह, और पढ़ रहा है, पढ़ भी रहा है और मेहनत भी कर रहा है, और अपने ही हलाल रोजगार से जो है सारे मामलात को निपटा रहा है, इसे कबूल करें, और जो उसने गलती की वो माफ इस्लाह कर रहा है, इस्लाह करें, इस्लाह करें। मैं ये चाहता हूँ कि जो नाम का अशफाक अहमद है ना, ये नाम का अशफाक अहमद, ये काम का अशफाक अहमद बन जाए, जरूर बनेगा, काम का अशफाक। आप लोग की स्क्रीन पे मौजूद है नंबर्स, यहाँ पे कॉल करें, इस बच्चे की जिस हद तक हो सके मदद करें। एजुकेशन इसकी कंप्लीट होना इसलिए जरूरी है कि ये एक अपना घर छोड़ के 11 साल की उम्र से बाहर निकला हुआ है, ज़हन में रखिए 11 साल की उम्र से, और पढ़ने की ख्वाहिश ऐसी है कि ये कहता है कि जी कुछ भी हो पढ़ाई तो मैं जारी रखूंगा, साथ में दो दो नौकरियां भी कर रहा है, दो दो काम कर रहा है, कभी कभार एक दो वक्त का खाना भी छूट जाता होगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छूटती। वो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, जो हमसे हुआ वो हम करेंगे। अपनी स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स को देखिए, नोट डाउन कीजिए और जो हो सकता है जरूर कीजिए। वालदैन से मैं सिर्फ इतनी अपील करता हूँ कि बच्चे भी कभी कभार गलती कर जाते हैं, कभी कभार सही भी कह रहे होते हैं, कभी कभार हम अपने छोटे से सीख रहे होते हैं, हम भी कोई आसमान से नहीं उतरे हुए होते, हमसे भी गलतियाँ हो रही होती हैं। तो ये देखें कि बता कौन रहा है, ये ना देखें बात सुने के बता क्या रहा है, ये देखिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको कबूल फरमाइए, ये बच्चा खुद भी आप लोगों से मिलने के लिए बेताब है और बहुत काबिल बच्चा है, अल्लाह ताला इसको बहुत कामयाब करेगा। और बेटा तुम जिस तरह लगे वो लगे रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तालीम ज़रूर पूरी करनी है, हौसला बिल्कुल नहीं हारना है, ठीक है, और जाके पहली फुर्सत में अम्मी अब्बू से मिलना है, हैं, ठीक है जनाब। आप हमारे साथ मौजूद हैं सुभान रमज़ान में, आओ बांटिए खुशी, हमारा ये सेगमेंट था। अशफाक अहमद 14 साल का ये बच्चा है जो कि बहुत दूर अपने घर से आया हुआ है और यहाँ पे तालीम हासिल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और अच्छे काम कर रहा है, हलाल और जायज़ काम करके अपनी ज़िंदगी बना रहा है, और हमारी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि आपके सामने ये चीज़ें लेकर आएँ। एनी वेज हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ एक और बहुत प्यारा सा बच्चा है मोहम्मद यासिर, और वो हमें कोई कलाम सुना रहे हैं। जी यासिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुकून पाया है बेकसी ने हुदू कभी मैं शाम में
तलाश जाना मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया हूँ मेरे सुकून पाया है बेकसी ने हुदूद गम से निकल गया हूँ मेरे जनाजे पे रोने वालों बगौर मरा नहीं हूँ बगौर देखो ये अमजद साबरी भाई के नाम पे ये डेडिकेट करते हैं हम इस शेर को हमारे साथ रहिए आप देख रहे हैं सुभान रमजान एक अदद ब्रेक की तरफ चलते हैं वेलकम बैक आप लोग देख रहे हैं सुभान रमजान और आ चुके हैं हम अपने एक और सेगमेंट की तरफ उलमा क्या फरमाते हैं हमने आज काफी हद तक डिस्कस करने की कोशिश की एतकाफ और उससे रिलेटेड चीजों को और उसमें कई जिक्र हुए उसमें ये जिक्र हुआ कि किस तरह जवानों की तादाद में इजाफा हुआ है किस तरह टेक्नोलॉजी की वजह से डिस्ट्रैक्शन आई हैं क्या चीजें जायज है करने के लिए क्या नहीं है लेकिन मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत सा से एक हदीस मौजूद है हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से एतकाफ़ किया उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे अब अगर हम आएँ और हमने मुफ्ती साहब से एक जिक्र किया था कुछ यही आप कह रहे हैं ये सारी इबादत हमेशा से मौजूद ही थी जी। तो ये रहबानियत वाला एलिमेंट अगर हम ये डिस्कस करें तो ये कहाँ से गलत गए और क्या आउट हुआ देखिए पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने रहबानियत का हुक्म नहीं दिया जी और कुरान मजीद ने यह बात वाज़ह तौर पर इरशाद फरमाई है कि अहले किताब ने इसको अपने तौर पर अल्लाह की रजा के लिए इख्तियार कर लिया अकीदत मंदी में अल्लाह ने उन पर लाजिम नहीं किया सही रहबानियत का सादा मफहूम यह है कि दुनिया की हम किस्मी ज़िंदगी को छोड़कर अल्लाह की इबादत और जिक्र के लिए कहीं अलग थलग हो जाना जी इसकी मुजम्मत कहीं पर नहीं है जी। अगर कोई इसको इख्तियार करना चाहे तो कर सकता है मगर इस्लाम ने फजीलत इसकी बयान नहीं की फजीलत इसकी बयान की है कि वो दुनिया में रहे दुनिया को फेस करे सारे मामूलात और मशगूलात को अदा करे फिर अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करे फिर हलाल और हराम का फ़र्क रखे फिर जैसे हुकूकुल इबाद की अदायगी करनी है वो करे जो जो जिम्मेदारियाँ अदा करनी हैं वो सब अदा करे तो इस एतबार से ये सारे काम भी फिर इबादत हो जाते हैं और उसके साथ साथ वो कुरान मजीद की तिलावत करे जिक्र अज़कार करे नफिल पढ़े सजदा रुकू क़याम में लज्जत पाए तो वो सारी इबादत जायज़ हैं तो अब ये जो खलवत नशीनी और एतकाफ़ है इसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सुन्नत मुबारक के अंदर
इजहार भी फरमाया और ताकीद भी फरमाई जी। और देखिए इस्लाम की तालीमात पे अगर हम गौर करें तो इस्लाम में एतदाल है। रहमानियत एक एक्सट्रीम का नाम था जी, और दूसरी एक्सट्रीम ये है कि इंसान दुनिया की जिंदगी में इतना उलझ जाए कि वो फराइज अदा करने के लिए भी वक्त ना निकाले और इबादत और बंदगी के लिए भी अपने आप को तखलिया ना दे, तो ये दूसरी इंतहा है। ये मादियत परस्ती हो जाएगी, वो रहबानियत हो जाएगी। तो इस्लाम ने इतदाल का रास्ता ये दिया है कि अल्लाह को भी याद करते रहो और दुनिया के तकाजे भी निभाते रहो। अच्छा, एतिकाफ ये जो ये जो माह मुबारक आ जाता है इसमें फिर एतिकाफ आ जाता है, ये खास तौर पर कुछ दिन उसी तरह फिर खलवत है, फिर अल्लाह ताला के जिक्र के लिए अपने आप को खालिस कर लेना और बहुत सारे हलाल और जायज काम जो हम कर रहे होते हैं उनसे अपने आप को रोक कर अलग थलग करके ये इतिकाफ हो जाता है। और ये जो इतिकाफ है ये जहाँ फजीलत है उसमें वहाँ हम देखते हैं कि इतिकाफ अपनी ज़िंदगी में सीखने के लिए तरबियत के लिए एक बहुत अहम चीज़ हो गई है। खास तौर पर हम चूंकि आज नौजवानों के हवाले से इस एतिकाफ का तज़किरा कर रहे हैं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि आज के दौर में जिस तरह इंसान अपनी मसरूफियात में उलझ गया है और उसकी कसीर उल जिहात मसरूफियात हैं, सुबह शाम इतना मसरूफ है कि उसे शायद अपने लिए वक्त नहीं मिल पा रहा, ऐसे में एतिकाफ जो है उसे अपनी इस्लामी और दीनी तरबियत और रूहानी तरबियत के लिए एक बहुत अहम अच्छा मौका मुयस्सर मुहैया करता है। इस एतिकाफ को हम देखते हैं कि हमारे ज़्यादातर लोग इस पर जोर देते हैं कि भी इसमें खामोशी होनी चाहिए, लोगों से मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। बेशक ये भी एतिकाफ के मसाइल और अहवाल बयान हुए हैं, मगर आज के दौर में मैं समझता हूँ कि एतिकाफ को तरबियत का ज़रिया बनाना चाहिए। जहाँ एतिकाफ हो वहाँ पर उलमा उनकी तरबियत करें अकायद पर, आमाल पर, इबादात पर, हलाल और हराम के फिकी मसाइल पर, और उस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बनाया जाए तरबियत नशस्तों के ज़रिए से। फिर एतिकाफ के लिए चूँकि मस्जिद की शर्त है और अगर ये इज्तिमाई एतिकाफ की सूरत बने जिसमें नौजवानों की तरबियत का एहतमाम हो, तो वो अगर मस्जिद के साथ वाला जो हुजरा से जगह है जो जगह है उस जितना वसत होती चली जाए उसको साथ मिलाया जाए वो फनाए मस्जिद कहलाता है और वो भी फिर एतिकाफ ही में शुमार होता है। जैसे इमाम मस्जिद इमाम जो है मुसल्ले पर होता है मस्जिद के अंदर, मगर उसके पीछे अगर नमाजी ज़्यादा हो जाएं तो वो मस्जिद की हदूद से बाहर सड़कों तक भी चले जाएँ तो वो भी उसके साथ शुमार होते हैं। तो इसी तरह एतिकाफ भी इसी तरह है, हमें चाहिए हम इज्तिमाई एतिकाफ को फोकस करें ख़ास तौर पर अपने लोगों की नौजवानों की तरबियत के लिए। ये बिल्कुल ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होगी, स्पेशली जैसे जो अर्बन पूरा हमारा सिस्टम है कराची लाहौर इस्लामाबाद जो बड़े शहर हैं उनके अंदर लाइफ अजीब स्पीड में चली जाती है कि आपका दिन शुरू कब होता है और ख़त्म कब होता है आपको वो बीच का फ़र्क ही नहीं बता सकते। स्पेशली कराची में रहने वाले तो ये हाल होता है कि हम खुद देख रहे होते हैं हमारे साथ के लोग और रात को 11-11, 12-12 बजे लोग आ रहे होते हैं, कोई 2-2, 3-3 नौकरियां कर रहे होते हैं या किसी का ही होता है कि जी वो बैंक में नौकरी करते हैं वैसे इतने बजे हो गए जी तो उठते हैं जी 9 से पहले निकल नहीं सकते, 9 बजे आप उठ भी गए रात 11 बजे तक ट्रैफिक के रश में फंस गए। तो जुनेद भाई ये सारी चीज़ें अगर जहन में रखें तो ये अर्बन कल्चर के हिसाब से इसको इतिकाफ को उसका बेहतर तरीका क्या होगा? देखिए बेहतर तो जाहिर यही है कि मतलब उसमें तो इंसान को असल मसला क्या है कि ये मुफ्ती साहब फरमाएंगे कि फर्ज किफाया मेरा ख्याल ये है नहीं सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है ना, जिसमें मतलब आप जो है अगर किसी एक शख्स ने इलाके में अदा कर दिया सुन्नत मुअक्कदा है जिस मोहल्ले में इलाके में अगर कोई भी नहीं बैठेगा तो फिर वो सब के सब सुन्नत के तारिक होंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक ने अदा कर दिया कुछ लोग अगर एक बंदा भी सुन्नत अदा करेगा तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। अच्छा अब देखिए मैं जो बात ये कन्फ्यूजन मैंने इसलिए क्लियर करवाया, मसला क्या है ये तो अदा हो गया, हमें फायदा उलमा कराम की मौजूदगी ये फायदा हो जाएगा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे अपना हिसाब खुद देना है। सही, मेरी तलब कितनी है अल्लाह की बारगाह में जाने की जी, मुझे अल्लाह से कितना रुजू करने का शौक है जी, मुझे अल्लाह से कितना जो है वो अपना मगफरत तलब करने का शौक है जी, मुझे कितना अल्लाह के करीब होने का शौक है। याद रखिए मैं बहुत एहतराम के साथ इनकी मौजूदगी में बात रस कर रहा हूँ, मेरा मानना यह है अमाल की बुनियाद पर बख्शिश नहीं होगी। सही, कोई शख्स अगर ये कहे ना कि साहब मैं अमाल की बुनियाद पर बख्श दिया जाऊंगा तो अमाल की बुनियाद पर बख्शिश नहीं है, बख्शिश अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर है जी, बख्शिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की बुनियाद पर है। इसकी एक मिसाल ले लीजिए ताकि ये वाकई से पूरी बात समझ आ जाएगी कि एक्चुअल ये जो एतिकाफ में हम अल्लाह के करीब होते हैं जिसमें हम नमाजें भी अदा कर रहे हैं, वक्त से हम पाबंदी कर रहे हैं, तरावी की भी, कुरान पाक की तिलावत भी हो रही है, कुरान पाक की तिलावत भी हो रही है, इसके अलावा दीगर जिक्र अस्कार भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जाम इस बात पर नहीं होना चाहिए कि मैंने 10 दिन का एतिकाफ कर लिया अब मैं बख्श दिया गया,
ऐसा नहीं है। हाँ, बख्श इसलिए दिया गया कि अल्लाह की रहमत इसमें शामिल हाल है, बिल्कुल तो मैं बख्श दिया गया। बेशक, बेशक, बेशक। बनी इसराइल में एक शख्स था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 500 साल तक उसने अल्लाह की इबादत की। और देखिए मैं आपको ये वाकया बताऊं, बड़ा कमाल वाकया है, यानी जिससे आपको ये तकवियत मिलती है कि मेरा रब कितना करीम और कितना रहीम है। वो एक पहाड़ की चोटी पर शारिक भाई इबादत करता था, चारों तरफ तकरीबन 30 किलोमीटर रिवायतों में आता है कि उसके पानी था। सही। नीचे जो है वो अनार का एक दरख्त अल्लाह ने अपने हुक्म से उगा दिया था और एक पानी का मीठा चश्मा था। होता यह था कि वो रात इबादत करता, सुबह उतरता, पानी पीता, अनार का एक जो है वो दाना खाता और ऊपर वो चला जाता और दोबारा इबादत में लग जाता, जबकि अनार सीजनल फल है, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए खास तौर पे उसको ऐसा उगाया कि रोज उसको एक फल मिलता ऑल सीजन, और पानी का जो चश्मा था उससे वजू करता, गुसल करता, पीता और इबादत में लग जाता। जिब्राइल अमी जब भी ऊपर से जाते तो उस पर बड़ा रश्क फरमाते कि अल्लाह का कैसा नेक बंदा है, लेकिन वो दुआ करता कि या अल्लाह मुझे जब भी मौत आए हालत सजदा में आए। अब जिब्राइल अमी ये फरमाते हैं कि मैंने देखा कि कयामत कायम हो गई है और वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर है, और अल्लाह ने उससे पूछा कि मैं तेरे साथ क्या मामला करूं। उसने अर्ज किया, या अल्लाह मैंने 500 साल तक तेरी इबादत की है, मेरी बख्शिश कर दे। अल्लाह ने जहन्नम के फरिश्तों को हुक्म दिया कि आओ और आकर इसे वासिले जहन्नम कर दो। उसने अर्ज किया, या अल्लाह मैंने 500 साल तक तेरी इबादत की है। अब अल्लाह ने तवातुर से गिनवाना शुरू किया, जिसका मफहूम यह है कि जब तू कुछ नहीं था तुझे पैदा किसने किया, तूने किया। जब तू बच्चा था तुझे बड़ा किसने किया, तूने किया। जब तू बड़ा हुआ तुझे इबादत का शऊर किसने दिया, तूने दिया। जब तुझे इबादत का शऊर मिला तो तूने ये दुआ की कि मुझे पहाड़ की चोटी पर इबादत करनी है, ये इज़्ज़त किसने दिया, तूने दिया। जब तूने ये दुआ की कि मुझे हालत सजदा में मौत आए तो ये मौत तुझे किसने दी, तूने दी। तेरे लिए अनार का खोशा किसने उगाया, तूने उगाया। चश्मा किसने बहाया, तूने बहाया। यानी सारी नेमतें मेरी हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, जब सारी नेमतें मेरी हैं तो मुझे ये बता कि मेरी दी हुई नेमतों में से तेरी 500 साल की इबादत एक तरफ और मेरी अता की भी आंख की बीनाई एक तरफ, जिसका वो हक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरी 500 साल की इबादत एक तरफ है। उसने अर्ज किया, या अल्लाह तू मेरी इबादतों की बुनियाद पे नहीं, इबादतों की बुनियाद पे नहीं। अब हार गया ना, सरेंडर कर दिया, क्योंकि 500 साल की इबादत एक तरफ कर दी अल्लाह ने, आंख की बिनाई एक तरफ कर दी। उसने हथियार डाले, अर्ज किया, या अल्लाह मुझे मेरी इबादत की बुनियाद पे नहीं, अपनी रहमत की बुनियाद पे बख्श। सुभान अल्लाह, इतना करीम है ये। उसने अपनी खूबसूरत बात के साथ मुझे एक अदद ब्रेक लेनी पड़ेगी। हम चलते हैं एक अदद ब्रेक की तरफ, देखते रहिए सुभान रमजान। मुनाजात की तरफ हमारे साथ बैठे हुए हैं नकीब अहमद कादरी। इफ्तार का वक्त बहुत करीब है, तो हाँ ये तो वो वक्त होता है जब दुआओं की कबूलियत होती है। तो भाई नकीब भाई कुछ अच्छी सी चीज सुना दीजिए। मेरे आका इमदाद।
और इतना तो करम करीना ऐ चश्मे करीमाना जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना या रसूल अल्लाह तुम सामने आ जाना। इलाही आमीन आमीन। आप हमारे साथ मौजूद हैं सुबहान रमज़ान में, लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। जी जनाब, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं सुबहान रमज़ान और हम आ चुके हैं बिल्कुल इख्तिताम की तरफ। काफ़ी बातें हुई आज एतिकाफ़ के ऊपर, हमने बातें की जिस हद तक हो सकता था, उस चैप्टर पे हमने गौर खौस किया और थोड़ा सा हल निकाला आजकल नौजवान किस तरह करें और क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो जो लोग हमें आज जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, इस्पेशली जो हमारे गेस्ट नात ख्वां होते हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नकीब अहमद कादरी साहब का ये आए और नात पढ़ी, मोहम्मद यासर कादरी और कलीम शेख, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। जो एडवांस का शुक्रिया है वो हमारे मौज़िन शहज़ाद आलम साहब जो कि तशरीफ़ ला चुके हैं और जो रोज़ हमारे साथ ही हमारे साथ इस शो में बैठे हुए होते हैं, उलमा अकराम, हमारे रिसर्च स्कॉलर, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, आप तशरीफ़ लाए और इतनी सारी बातें सिखाई हमें, बहुत शुक्रिया। और जुनैद इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से सबसे कल मुलाकात। याद रखिए, इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ तआवुन किया है कोका कोला, सर्फ एक्सेल, नेस्ले मिल्क पैक एंड प्योर लाइफ और मीज़ान ने। को स्पॉन्सर्स हैं डेटोल, कोलगेट सेंसिटिव, पेप्सी, सोया सुप्रीम, नेस्ले योगर्ट, नेस्ले सेरेलैक, नेस्ले मिल्क पैक क्रीम और वार्डरोब पार्टनर्स हैं कलर्स मेंसवेयर। जनाब मेरी आपकी मुलाकात इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कल होगी, लेकिन उससे पहले क्लोजिंग से पहले इल्तिजा की तरफ, जुनैद भाई की तरफ। देखें जी, मगफिरत का अशरा भी गया, सुन रहे ना आप मेरी बात, रहमत आई, रहमत का अशरा गया, मगफिरत का अशरा आया, कल वो भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा। रोज़ रोज़ इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान वालों से, जो कब्र में होते हैं ना, अहले कब्र जो होते हैं, उनसे एक सवाल करते हैं कि आज तुम्हें किस बात पर रश्क आता है। वो कहते हैं कि हमें मस्जिद वालों पर या जो नमाज अदा करते हैं उन पर रश्क आता है, क्योंकि हम नमाज अदा नहीं कर सकते। हमें अल्लाह का जिक्र करने वालों पर रश्क आता है, क्योंकि हम अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते। हमें रोज़ेदारों पर रश्क आता है, क्योंकि हम रोज़ा नहीं रख सकते। और हमें सदकात और खैरात करने वालों पर रश्क आता है, कि हम सदकात और खैरात नहीं कर सकते और उसके बाद वो अपनी हालत पर शर्मसार होते हैं। तो इस शर्मसारी से बचें, और बचने के लिए अभी भी हमारे पास ही 12 दिन बाकी है। मना लें अपने रब को, बहुत आसान है साहब, बहुत आसान है। और मैं वही निसाब जो रोज़ अनाउंस करता हूँ दोबारा उसकी दरख्वास्त करूँगा कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करिए, तरावी की पाबंदी करिए, सारे घर वाले मिलकर अभी भी कमिटमेंट करें कि घर का हर हर फर्द जो है इंशाल्लाह एक एक कुरान पाक जरूर खत्म करेगा, कहें इंशाल्लाह। रोज सलात व तस्बीह का अहतमाम करें, रोज़े ज़ाहिर मस्त है, उसको छोड़ना नहीं है। और आखिर में एक बात, वो बात यह है कि बरोज़े मैशर जिस बात पर मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफी और गवाह बनेंगे, जो हमारे लिए नूर होगा, वो दुरूद पाक है, उसकी कसरत करते चले जाएं कि आका से आपका राब्ता जो है मजबूत होता चला जाए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, मेरी आपकी मुलाकात एक बार फिर कल शाम 5 बजे सुबहान रमज़ान में। तब तक के लिए शारिक महमूद और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ओवर टू मुफ्ती साहब दुआ के लिए प्लीज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। रोज़ेदारों के रोज़े कबूल फरमा। इबादत गुज़ारों की इबादत को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। एतिकाफ़ की नीयत और इरादा रखने वालों को अज़्म और इस्तिकामत नसीब फरमा। और सब मुतकफ़ीन और गोशा नशीनान के इस खलवत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहल आलमीन तमाम बीमारों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। हमारे आज के स्टूडियो में एक बच्चा मौजूद है ज़ीशान, सब मिलकर दुआ करें, वो बच्चा कई अमराज में मुबतला है, अल्लाह ताला उसको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। इलाहल आलमीन इस बच्चे को सेहत कामिल अता फरमा, लंबी उम्र अता फरमा। और जितने लोग भी बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, सबको शिफा नसीब फरमा। सब बे औलादों को औलाद
اولاد صالح عطا فرما، الہ العالمین سب حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، اور جو لوگ بھی تیری بارگاہ میں اپنی آرزوئیں تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں، اپنے دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، اپنی جھولیاں بچھا کے بیٹھے ہیں، سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک کے باسعادت لمحات میں ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، اپنی بارگاہ سے مغفرت عطا فرما، اور اپنے کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے رہائی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں راتوں کا جاگنا نصیب فرما، ہمیں اپنے ذکر اذکار کی لذت نصیب فرما، ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما دے، ہماری روحوں کا تزکیہ فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی لذت عطا فرما، ہمارے جسموں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کا لباس عطا فرما، ہماری آنکھوں کو حیا عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ظاہر اور باطن میں طہارت اور پاکیزگی عطا فرما، ہمیں اپنے قوانین پر احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی اتباع نصیب فرما، ہمیں اہل ایمان کے ساتھ نرمی عطا فرما، ہمیں تمام لوگوں کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ۔ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Love!